हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोने के लिए अपनी निधि भी आ गई हैं। सपना का मैटर समय चल ही रहा है तो सोचा क्यों ना मैं ही, इसको व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, इसकी पैसे की लालच जो है वो कम हो नहीं रही है, तो सोचा क्यों नहीं बहती गंगा में हाथ धो ले। अब बहुत लोग कहेंगे कि सब लोग बना रहे हैं वीडियो तो वो क्यों ना बनाए। भाई जो व्लॉगर्स हैं वो कोई नहीं इस पर वीडियो बना रहा है, एक वीडियो बना के डाल दिया किसी ने कि भाई ऐसा ऐसा सुन के बहुत दुख लगा, लेकिन 10 वीडियो उस पर नहीं छाप रहे हैं। अगर लखनीत ने छापा है तो लखनीत ने वीडियो डाला है तो भाई लखनीत उसके पास गया भी था मिलने, लखनीत हर संभव कोशिश करेगा कि उसकी मदद कर सके। क्या ये निधि जो है वो मदद करेगी? क्या कोई भी मदद किसी भी तरह की मदद कर सकती है सपना की? बिल्कुल नहीं। तो सपना पे बात करते हैं। इसने जो कहा है ना मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, सब झूठ है। इसने अपने मुँह से उगला हुआ है कि मैंने क्या किया है। अगर इसके पति ने एक थप्पड़ मारा था तो इसने पलट के उसको थप्पड़ मारा था, सास को भी मारा है, सास के क्या से क्या आप लोग को तो सब पता है कि क्या इसने नहीं किया है। कपड़े काट देती थी, बाल गोपाल तोड़ दिया, भगवान तोड़ देती थी, क्या नहीं किया। उसके बाद आज ये आई है तब का झूठ बताते हुए, अब तब का नाम लेके बताते हुए। अभी जब इसके भाई ने इसको लतिया के भगाया था घूंसे मार के, तो इसने आके बताया था मैं ससुराल का टॉपिक नहीं करूंगी, मैं अपना कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, लेकिन ससुराल का नाम नहीं लूंगी, ससुराल का टॉपिक अपने चैनल पे नहीं लाऊंगी। लेकिन जैसे ही देखा कि सपना की वीडियो चल निकली है या सपना के ऊपर लोग वीडियोस बना रहे हैं तो आ गई, अपना ससुराल का टॉपिक ले गए। आज तक तो जितना भी खा रही है ससुराल के नाम पे खा रही है, ससुराल वालों की वजह से खा रही है, उनको गालियां दे दे के उनको गालियां बक बक के तू खा रही है, बच्चे को खिला रही है। ससुराल के अलावा तेरे कोई पास कोई और टॉपिक होता ही नहीं है। चार दिन किसी के पीछे लगती है फिर वो तुझे एक्सपोज करने आ जाता है, लतियाता है, घूंसे मारता है, उसके बाद तू वापस अपने ससुराल वाले टॉपिक पे आ जाती है। सपना का क्या है? सपना 18 साल में उसकी पहली शादी हुई, उसके साथ दुर्घटना हो गई, सूरज नहीं रहे, उसके बाद उसकी दूसरी शादी उसी घर में हुई राजवीर से, जैसा कि आप जानते हैं। तो बहुत लोगों की खुशी बहुत दिन तक वो नहीं हो पाती है, पता नहीं भगवान क्यों नहीं इसकी बात का जवाब देते हैं कि ऐसा क्यों किया भगवान ने। दूसरी शादी के बाद राजवीर नहीं रहे, काफ़ी दिन से ये झेल रही थी। बहुत जगह होता है टॉक्सिक रिलेशन हो जाते हैं घर वालों से, जब लड़का नहीं रहता है तो कई बार बहुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं और कई बहुएं चुप रह जाती हैं, कई बहुएं तुरंत आवाज़ उठाती हैं। तो अब आपको बता दें, हाँ तो अब आपको बता दें कि सपना ने वही तब तक चुप थी, लेकिन अब जब बहुत लोग कह रहे हैं ना कि सूरज को याद नहीं करती है, राजवीर को याद करती है, राजवीर को याद करके वीडियो बनाती, राजवीर के साथ ज़्यादा खुश रहती है, राजवीर को अपना प्यार बताती, तो इस बात पे उसने ये चीज़ें एक्सपोज की हैं और विथ प्रूफ की हैं। निधि ने कोई प्रूफ दिया है कि सनी मारता था या सास मारती थी? झूठ बोलने की हद होती है भाई, इसको इतना झूठ बोलना होता है? किसी का कोई मैटर हो जाए तुरंत ये वीडियो बना के बताएगी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अगर कोई ब्लॉगर का वायरल हो जाए कि उसको कैंसर था, उसकी जो है दिल निकाल के बाहर निकाल दिया गया, ये तुरंत वीडियो लेके आएगी मेरे को भी था, मैंने आपको बताया नहीं था, मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरा भी दिल निकाल के बाहर कर दिया था। जैसे अभी बता रही थी ना कुछ दिन पहले ओवरी चोरी हो गई थी, दुनिया में हमने आज तक साले नहीं सुना कि किसी की ओवरी चोरी होती हो, इसकी ओवरी चोरी हो गई थी। अजीब अजीब चीज़ें चोरी भी बताती है। तो चलिए मैटर सपना का है। उसके बाद जो है आप लोग ने ये देखा कि किस तरह से उसके साथ हुआ, काफ़ी लोग उसके लिए चिंतित हो गए, इतनी चिंता हो गई लोगों में, दहशत हो गई कि अब क्या होगा। सपना ने इतना बड़ा खुलासा किया, उसके बाद 2 दिन तक उसकी कोई वीडियो नहीं आई, कोई अपडेट नहीं आई, लोग चिंता में एकदम पागल हुए जा रहे थे। है इसको आप अनभक्त नहीं कह सकते, सपना ने अपने दम पे यह चीज़ फैन फॉलोइंग बनाई है। 2 दिन तक नहीं आने के बाद सपना का वीडियो आया कि मैं ठीक हूँ और मैंने घर छोड़ दिया है, और तब भी वो लोग क्या कह रहे थे, ज्वेलरी और ये और वो, पैसा, मथुरा वाला प्लॉट और दुनियादारी। तो उसकी भी उसने विद प्रूफ रिकॉर्डिंग लगाई कि ऐसा ऐसा है, उसने सूरज की भी रिकॉर्डिंग लगाई थी किस हिसाब से वो मार रहा था, कैसे वो कर रहा था। इसके बाद जो है आगे का जो किस्सा है वो मैं तो लाऊंगी, दूसरी वीडियो भी लाऊंगी, क्योंकि उसकी माँ भी वीडियो बनाई है, सपना चौधरी की माँ भी आ गई हैं वीडियो लेके बात बताते हुए, तो मैं उस पर भी आऊंगी। इसने कौन सा प्रूफ दिया है? क्या आपको दिया? इसने खुद बताया, इसने खुद का प्रूफ दिया है कि मैं तो सास को मारती थी, मैं तो सास के कपड़े काट देती थी, मैं तो ये कर देती थी, यूज पैड उठा के इनके सास के अलमारी में कपड़ों के बीच में रख देती थी। तो तुझको सास ने कब मारा, सनी ने कब मारा, किसी की मजाल? इतनी जबर औरत को कोई मार दे पलट के उसके पूरा घर बार खानदान ये कुट पिट के चली आएगी, इतनी भयंकर है। आज वीडियो अभी डाली है ना जिस पर डाली है, जिन्होंने पूरा एक्सपोज किया था, चैट्स दिखाए थे उसके ऊपर डाली है ना कि मेरे लिए रिश्ता भेजा था, आज वो सपना के लिए ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो उनका ओपिनियन है। हम ओपिनियन किसी की चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारा ओपिनियन ये है कि ये सही है, उनका ओपिनियन ये है कि
तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, ना तो कोई हमारा ओपिनियन चेंज कर सकता है, ना हम किसी की ओपिनियन चेंज कर सकते हैं। लेकिन तेरी ओपिनियन समझ में आती है कि तू फौरन वीडियो बना के, मेरे साथ भी होता था, मुझे कुत्तों की तरह मारता था सनी, अरे तुझे कुत्तों की तरह मारता, हम कहते तुझे गधे की तरह मारता, तू सुधरी तो होती, अगर कुत्तों की तरह मारता तो इतनी नौटंकी यूट्यूब पे आके ना कर रही होती। सपना की बराबरी बिल्कुल भी अपने साथ मत करना, वो एक संस्कार और अच्छे परिवार की लड़की है, और उनका ऐसा नहीं है कि वो आज ससुराल से चली गई है तो उसके रास्ते बंद हो गए, तेरे तो रास्ते बंद है, तेरे को ससुराल वाले अपने घर नहीं बुलाना चाहेंगे, नाम तक नहीं लेना चाहेंगे। अभी कुछ हो सकता है, माहौल ठीक हो तो ससुराल वाले बच्चों के लिए भी एक्सेप्ट करें, बच्चे उनको प्यारे हैं, उनका खून है, सब कुछ है, सूरज का बच्चा है, राजवीर का बच्चा, आरुषि सब है, तो ऐसा टॉक्सिक नहीं हुआ है, जो भी हुआ है अभी शायद समय के साथ परिस्थिति के अनुसार वो अच्छा भी हो सकता है, तू अच्छा करके दिखा सकती है, नहीं ना इतने दिन सपने। जब भी किसी का कुछ होता है तो तू आ जाती है दौड़ के कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। सपना के साथ जो हुआ उसने विद प्रूफ बताया, तूने अपना कोई प्रूफ दिया था? कोई प्रूफ नहीं दिया था, सपना ने पूरा रिकॉर्डिंग लगाई है, तूने क्या प्रूफ दिया? तूने खुद अपने वीडियो पे बताया कि मैं ये की थी, मैं वो की थी, वो की थी, अब दौड़ के चली आई है जिस तरह का सपनों का वीडियो देख के, मेरे साथ भी ऐसा होता था, कुत्ते की तरह मारता था सनी, कब मारा? सस के कहने पे कब मारा? एक मारा तूने खुद बताया था, एक थप्पड़ मारा था, मैंने भी पलट के उसको मार दिया था। सपना ने नहीं, इतने के बावजूद सपना ने हाथ नहीं क्यों उठाया होगा? ओपिनियन की बात है, देखिए आज जिस पे ये वीडियो बना रही है कि रिश्ता भेजा था वो ऐसा कह रहे हैं, सपना को ट्रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं उनका ओपिनियन दूसरी तरफ है, हमारा ओपिनियन दूसरी की तरफ है, हम ओपिनियन किसी का नहीं चेंज कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू सपना के नाम लेके इस तरह की चीज़ें हरकतें करे। अपने साथ सपना के साथ क्या कंपेयर कर रही है ये बता। अभी सपना ने रिकॉर्डिंग लगाई थी ना, जब इसने पिताजी को फ़ोन किया था, ससुर को, हाँ पापा कहा, उसने कहा हाँ बेटा ये पैसा तेरा है, ये प्लॉट तेरा है, ये उन लोग के बीच में बात हुई है, क्या कभी ऐसी कोई रिकॉर्डिंग तेरे ससुराल वालों से हुई है जो हुई है? इतने के बावजूद उन लोग में कितने तमीज से बात की। अच्छा चलिए दूसरी बात, आगे अपने उससे कंपेयर कर रही है, क्या सपना के ऊपर कभी कैरेक्टर का कोई इल्ज़ाम लगा है? कभी सपना की माँ को उसको शब्द बोलते हुए देखा है, या उसके ससुराल वालों को लांछन लगाते हुए देखा है? इतने के बावजूद अभी तक किसी ने यह शब्द नहीं कहा होगा कि सपना का कैरेक्टर गलत है, या वो था, कुछ भी नहीं कहा होगा। वो इतनी बढ़िया लड़की है, तुझ पे क्यों लगा, क्या कारण था, क्या माँ क्यों माँ कह रही थी, पूछना चाह रहे हैं क्या कारण था कि तुझ पे आर वाला शब्द बोला जा रहा है, तेरे कैरेक्टर पे बात उठती है, तेरे सारा जो कॉमन सेक्शन है वो तुझे गंदी बकने के लिए बैठा होता है। और सब कोई फेक आईडीज़ नहीं होती, कुछ एक फेक आईडीज़ बना के आ जाते होंगे, लेकिन सब ओरिजिनल चैनल वाले भी होते होंगे या ओरिजिनल आईडीज़ वाले भी होते होंगे जो तुझको इस तरह से कहते हैं। क्यों सपना से कंपेयर करने से पहले अपनी शक्ल देख ले, आईना देख ले, सब कर देख ले, उसके बाद आके कंपेयर कर। आज कंपेयर करना अच्छा नहीं लगता है, सपना इस तरह से नहीं गई है जिस तरह से तू सास को मार कूट के आई है। क्या बताएं भैया सब्सक्राइबर से हम कहना चाहते हैं दोस्तों, ये इस तरह की औरत है, इस तरह की वीडियो लेके बैठ के छाप, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, मैं बता रही थी, लोगों ने विश्वास नहीं किया, लोगों ने ससा कहा झूठ बोल रही है, ये बोल रही है, तो झूठी है, तुझको झूठ बोलने के लिए लोग कह रहे हैं। तेरे ही कमेंट सेक्शन में तेरे ही सब्सक्राइबर जो तुझको देख रहे हैं, 1.5 लाख सब्सक्राइबर में तुझे 10,000 भी नहीं देख रहे हैं, तेरे शर्म तो इस पर आनी चाहिए। सपना के नाम की वीडियो बना के 10-12 हज़ार जो है व्यूज़ भले लिया है, कि हम लोग के 4-5 हज़ार के सब्सक्राइबर में 3,000 व्यूज़ अगर आ रहे हैं और तेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर में 50,000 व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो तुझको वोट सोचना चाहिए। चलिए इसकी बातें यहीं छोड़ दें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, आज ही आएगा, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कॉमेंट वीडियो भी बनी हुई है, बस आने की देर है, थोड़ा सा आजकल हम बिजी हैं इस वजह से जल्दी जल्दी वीडियोस ला नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, जाइएगा नहीं, ब्यूटी विद बनर्जी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।